विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं की अपनी 2018 की सूची में भारत को 58वां स्थान दिया है। 2017 के मुकाबले भारत की रैंकिंग में 5 अंकों का सुधार हुआ है। G20 देशों की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले भारत की स्थिति में अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा सुधार हुआ है। मंच की ओर से जारी 140 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में पहले नंबर पर अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर सिंगापुर और तीसरे स्थान पर जर्मनी है। ग्लोबल कॉम्पिटेटिव रिपोर्ट में भारत 62 अंकों के साथ 58वें स्थान पर है। विश्व आर्थिक मंच का कहना है कि G20 के सदस्य देशों में सबसे ज्यादा लाभ भारत को ही मिला है। वहीं सूची में पड़ोसी देश चीन को 28वां स्थान प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार ऊपरी और निम्न मध्य आय वर्ग में अच्छा प्रदर्शन करने वाला भारत उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के करीब पहुंच गया है और उनमें से कई को पीछे छोड़ रहा है, जिस वजह से भारत अभी भी दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार भारत स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल के अलावा अन्य सभी प्रतियोगी क्षेत्रों में आगे है। भारत ने परिवहन संबंधी ढांचागत सुविधाओं और सेवाओं में ज्यादा निवेश किया है, जिससे भारत एक बेहतर अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।